रहे हैं भाई, और लड़के ही वो लड़कियां भी जम करके नहा रही है भाई। ओ माय गॉड, मुझे तो यार जब इतना डर लगता है। ओ भाई भाई मजा थे, झाड़ नहीं लगा थे उठने के, याद हो गए ऊपर, लेकिन भाई की फट गई। भगवान देख के राम नाम। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, या फिर से आ गए बोल सकते हो, कहाँ, देवधारा की, जो कि पिथौरा से लगभग 18 किलोमीटर पड़ता होगा, मैंने थोड़ा बताया नहीं। पिथौरा से आप बाय रोड पकड़िए, बाय रोड से आप पूरे स्टेट आइए, और यहाँ पे जब आओगे, थोड़ा इधर दिखा दे भाई, ये वाले रोड से जब यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे छोटा सा साइन बोर्ड है, यहाँ पे ऐसा नाम तो लिखा नहीं गया है, बट ये तो जाता ही है देवधारा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मेरे साथ कौन कौन आए हुए हैं भाई। तो अपने साथ आया है आज हमारा छोटू भाई, जानती होगे अपना भाई है, और मेरे ब्लॉग में भी आ चुका है ये, और एक भाई आ रहा है अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम करके। समझ रहे हो आप। आज का ब्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आज काफ़ी लोग यहाँ पे बोलबम के लिए भी आते हुए, तो फिलहाल सुमित भाई आ गए अपना इम्पोर्टेंट काम निपटा के। तो गाइस चलिए चलते हैं, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं लाते रहता हूँ कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो यार ये देख रहे हो अभी से पोज दे रहा है, अभी आज ना बहुत सारे रील्स भी बनेंगे, व्लॉग तो बनेगा ही। तो गाइस चलिए बने रहिए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए देवधारा, और जो आप देखोगे वहाँ से स्टार्ट था, और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आज सोमवार का दिन है, तो यहाँ पे ना लोग जल लेके आते हैं, और आसपास जो शिवालय में ना जलाभिषेक करते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ, और मैं जितना सोचा था उतना फिलहाल पानी तो अभी नहीं जा रहा है, देखते हैं कैसा नज़ारा है, अभी आपको डिटेल में दिखाते हैं, और कुछ कुछ सिनेमेटिक शॉट भी लेंगे यार, फुल फन करेंगे भाई, बने रहो। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा स्टार्ट बाकी है, और काफ़ी लोग भी आए हैं, तो मज़ा जो है ना और बढ़ जाता है। क्या बोला तूने? अब आगे झरने की ओर, और नहाना धोना भी है, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग अभी 12:30 से ज़्यादा हो गए। तो गाइस काफ़ी खूबसूरत था यहाँ पे मानसून के समय में, और बोल सकते सावन के समय में जो यहाँ का नज़ारा है काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए बाँस का वो बना दिया गया है। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच गए फाइनली ये वाली प्लेस के, जहाँ से ये खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिलता है, और यह है देवधारा। और नहीं यहाँ पे छोटा सा नहीं है, यहाँ पे आप पूजा कर किया जाता है, बट उतना अच्छे से नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं बट कैसे करते हैं देख सकते हो, यहाँ पे लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पे भी एक शिवलिंग है, बट ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे लोग ड्रिंक करके ऐसे ही बोतल को यहाँ पे गिराते हैं यार, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, जब यहाँ पे आप पूजा पाठ कर रहे हो यहाँ पे ऐसा ये गलत बात है। क्यों भाई तू क्या पी कैसे क्यों गिरा दिया, सॉरी। वहाँ पे भी एक शिवलिंग है, मैं आपको नहा के दिखाता हूँ उधर जाके, और ये खूबसूरत सा नज़ारा है फिलहाल, अभी इसको देखो मोटा चढ़ नहीं पा रहा है। हाँ? अबे मैं कहीं चढ़ूंगा भाई, आना यार नहीं। ये अभी देख सकते हो हमारे नीलेश भाई चढ़ रहा है। Hey guys, तो सेकंड टाइम इन देवधारा, और इन दिस टाइम मैं आया हूँ मानसून में, और अभी हम लोग तो उस टाइम इतना ऊपर नहीं आए हुए थे, अभी मैं आपको पूरा इधर का भी दिखाता हूँ, और छोटा छोटा जो झरना है ना, ये जो देखने में मजा आ रहा है यहाँ पे, और ब्लॉक के साथ साथ पैरों पे ध्यान देना जरूरी है, नहीं गिर जाएंगे। हाँ तो हाँ ठीक हो गया।
यहाँ से जूते वे तो पहन के करना मुश्किल है, तो यहाँ से हम लोग भाई साहब तो आप जब भी आए यहाँ पे जूता चप्पल जरूर रखिए, निःशुल्क रख सकते हैं आप लोग, कोई चार्जेस नहीं है। मैं अपना जूता यहीं रख दे रहा हूँ, और मेरा जूता कौन भिखारी भी लेके नहीं जाएगा भाई। पत्थर यहाँ पे और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छी सुंदर नजारा भाई देवधारा का। तो गाइस कौन कौन देवधारा आए हुए हैं एक बार कमेंट में बताएं भाई, बहुत ही अच्छी हिडन प्लेस है ये, बहुत वो पता भी नहीं हुआ, बट सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पता चल जाता है कि भाई मैं भी यूट्यूब से ही देखा था ये वीडियो। तो छोटू भाई मजा आ रहा है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। कहाँ के हो यार, कहाँ पर थी जी? और कौन तुम, और कौन कौन आए हो? टूरी मनाए हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो वहाँ नहाबो ऐसे, चलो हम उनको याद है यार। तो डिग डिग के नहा दोगा, मुड़ी का नहीं फूटे, कौन है ये पागल आदमी? तो गाइस हम लोग आ गए फाइनली यहाँ, इसके ऊपर और एक पार्ट है, इसके आगे और क्या पता नहीं, यहाँ पे छोटा सा ना एरिया है और यहाँ लोग खुद खुशी भाई जंप लगा के नहा रहे हैं भाई, और लड़के ही भाई लड़कियाँ भी जंप करके नहा रही है भाई। ओ माय गॉड, मुझे तो यार जंप इतना डर लगता है, पता नहीं लोग कैसे जंप कर रहे भाई तीसरे लोग। ओ भाई ये बच्चे लोग देख लो क्या जंपिंग, ओ भाई मजा आते हैं, जार नहीं लगा थे हाँ ये भाई देसी आदमी इन लोग। हम लोग यहाँ पे कूदने के याद हो गए ऊपर, लेकिन भाई को पड़ गई कूद रहे भाई। यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, बहनें भी हैं, यहाँ पे सब जंप कर रही हैं। देखो 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 ये बहन लोग भी आ गए, देखो यार भाई मुझे डर लग रहा है यहाँ पे जंप करने के लिए भाई, कभी तक हिम्मत नहीं आई है, पता ही फट रहा है इस बार, सब लोग कूद रहे हैं ये नहीं कूद रहा है, और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो चुकी है भाई। ओ भाई अबे लड़की ने शर्म कर, लड़की ने कूद रहा है। अभी ना यार बहुत जोरों की यहाँ पे ना बारिश हो गई है और पूरा का खाली हो गया है, सिवाय हमारे तीन बंदर के, हम तीन भाई यहीं पे हैं और बाकी सब खाली हो गया है, और हमारे साथ एक और भी है, दिखाता हूँ आपको कौन है वो। देखो गाइस बारिश में ना बेचारा ये यहाँ पे छुप गया है, बहुत बारिश है यार बहुत, और जिस तरह से अंधेरा कर रहा है पता नहीं बारिश छूटेगी नहीं, और मेरे मोबाइल में पानी पानी हो रहा है, तो मैं अपने मोबाइल पर डालता हूँ वाटर प्रूफ कवर पे। हे गाइस तो अभी मैं ना कूद रहा हूँ यहाँ से, और मोबाइल है वाटर प्रूफ पाउच पे, मुझे डर लग रहा है यार, कभी कुत्ता नहीं हुआ यार। ए भाई डर लग रही है, कैसे करो भाई, जो बोले सो निहाल, यार फट रही है यार, मैं वाकई में कैसे करूं। ए भगवान जय श्री राम। फट गई गाइस, ओ भाई बड़ा खतरनाक वाला एक्सपीरियंस। मजा आ गया यहाँ पे, हम लोग इतना ज्यादा देर तक नहा दिए, कोई है नहीं सिवाय हमारे, और अभी देख रहे हो हम ना बैग लाना भूल गए नहीं, एक्चुअली ना मेरा चेयर खराब हो गया था, तो गाड़ी के डिक्की में डाल देते, बट बाइक को वहाँ पे रख दी, तो भाई आप इसको देखो कैसा बोझा, कूली नंबर वन बन गया ना, गजब बेइज्जती है। और भाई कैसा लगा भाई आज का, मजा आ गया ना? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कर रही है ये गाइस, ये क्या कर दिया, पूरा गिरा दिया स्लिप हो गया गाइस, स्लिप हो गया, चलो कोई नहीं। ओ भाई कितना पानी गिर रहा है, मैं मोबाइल क्या करूं भगवान जाने। गाइस तो इतना ज्यादा यहाँ बारिश भी हो रहा है, ऊपर से मैं अपने मोबाइल को ना
सिक्योर करके चल रहा हूँ भाई, डर लग रहा है ऊपर से जितना पिछला ना अभी बारिश हुई है, हम इतना डर डर के जा रहे हैं क्योंकि भाई हम गिरे हड्डी टूटे भाई, ये मोबाइल टूट जाएगा भाई छोटो, हम लोग मोबाइल नहीं टूट रहा चाहिए नहीं तो फिर व्लॉग क्या जाएंगे। तो गाइस कैसे कैसे रास्तों से हम लोग जा रहे हैं ये, मतलब रास्ता भाई पता ओहो इन लोग कहाँ कहाँ से आ गए, चल भाई चल पता नहीं कहाँ कहाँ से जा रहे हो तुम लोग। बड़ा चीख रहा है और इसको पता नहीं छोटू ने कैसा पकड़ा है, वाह मैं देख के डर लग रहा है भाई भयानक रहे, वाह इसको भी फ्राई करके लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। अब बचपन में मैं देखा था ना, मतलब मैं तो नहीं खाया हूँ, मेरी मामा माँ भी खा दी था। ओ भाई साहब देखो कितना बड़ा है भाई, देखो 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 देखो। तो गाइस हम लोग इतना ज्यादा नहा लिए भाई, ठंड के मारे बारिश, मतलब बारिश हो गई इस कारण बहुत ठंड भी लग रहा है और पूरे कपड़े ना गीले गीले हो गए, गिर गए कपड़े। तो भाई मजा आया ना भाई, मजा आया बहुत मजा आया। सुमित भाई कैसा लगा सुमित भाई आज, फुल मस्त बहुत मस्ती भाई के साथ। अगले संडे हमारा एक और प्लान बन रहा है जिसको मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से, ताकि आप लोग भी ज्वाइन हो सको उस वाले ब्लॉग में, स्पेशली वो ब्लॉग में सबके लिए है और मैं आप लोग को आपके साथ भी एक बार टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जो मेरे यूट्यूब फैमिली है भाई लोग हैं। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं तो चलते हैं कंटिन्यू,